लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों ना हो, सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या गुरुवार को 166 हो गई है। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से बचने के कई तरीके बताए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी कोरोना से बचने के लिए कई विज्ञापन चलाया जा रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भी कोरोना से बचने के उपाय बताए हैं। संसद में बजट सत्र के दौरान बाहर निकलने अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर हम सभी को 15 मिनट धूप सेकनी चाहिए। इससे हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। कोई भी वायरस धूप के सेवन से समाप्त हो जाता है, इसलिए हमें धूप का सेवन करना चाहिए। जो 11 बजे से 2 बजे तक सूर्य की किरण बहुत मतलब कहते हैं धूप ज्यादा रहता है, तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों ना हो, सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा। मैं उससे वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए संसद भवन परिसर स्थित कैंटीनों को कैशलेस करने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी यह फैसला लिया गया है कि 31 मार्च से बगैर कैश के कोई कुछ नहीं खरीद सकेगा। संसद भवन की कैंटीनों को कैशलेस करने के लिए SBI के प्रीपेड कार्ड बनाए जाने लगे हैं। इस कार्ड के जरिए ही कैंटीन से नाश्ता, लंच आदि लिया जा सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कैश से लेनदेन बंद करने का फैसला हुआ है। अब कार्ड से भुगतान की पहल शुरू करने का फैसला हुआ है। 31 मार्च से SBI के प्रीपेड कार्ड से ही भुगतान हो सकेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।